उसके वैल्यू पता नहीं चलेगी। हे भाई और बहनों, आप और मैं प्रार्थना कैसा कर रहे हैं और हम लोग प्रार्थना में समय कैसा बिता रहे हैं? क्या कपटियों की नाई लोगों को दिखाने के लिए जोरों जोरों से लंबी लंबी लोगों को दिखा दिखा के फोन कर करके कि आओ मेरे पास आओ, प्रार्थना है, प्रार्थना मैं करूंगा करके, क्या ऐसी प्रार्थना आप कर रहे हो? अगर ऐसी प्रार्थना कर रहे हो तो आज प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहा है, आप किस तरीके की प्रार्थना कर रहे हो? शरीर के अनुसार प्रार्थना कर रहे हो या आत्मा के अनुसार प्रार्थना कर रहे हो? आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे हो या अपनी बढ़ने के लिए प्रार्थना कर रहे हो? या आप शरीर अनुसार से ऊपर उठना चाहते हो इसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, या तो आत्मीय रीति से आप बढ़ना चाहते हो उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो? प्रभु जब प्रार्थना सुनता है, प्रभु यीशु मसीह, वो तो आत्मीय रीति की प्रार्थना सुनता है और ना ही शरीर के अनुसार की। अगर हम प्रार्थना में पर्सनली परमेश्वर के साथ एक कोठे में बंद करके परमेश्वर को टाइम देंगे, प्रार्थना में समय बताएंगे, तो प्रभु यीशु मसीह ऐसी प्रार्थना को सुनेंगे और हमें जवाब भी देंगे और उसका प्रतिफल भी हमें मिलेगा। ऐसा प्रार्थना करने से हमारा जीवन जो है बदलते जाएगा और हम हर दिन एक नया नया प्रभु यीशु मसीह हमें करता जाएगा। जब हम वचन पढ़ेंगे तो उस टाइम पे वचन की समझ आएगी हमें। जब हम प्रार्थना करेंगे तो हमें प्रभु यीशु मसीह, हम तो अपने शरीर के अनुसार करते हैं लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा होगी वो हमें सिखाएगी कि प्रार्थना कैसा करना है। क्या आपने अब तक शरीर के अनुसार प्रार्थना की है, शरीर के अनुसार कुछ मांगा है परमेश्वर से तो परमेश्वर ने आपको नहीं दिया है? तो इसका मतलब है कि आपको आत्मीय प्रार्थना सीखनी है, आत्मीय रीति से रहना आपको सीखना है, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही हम हर एक चीज को जो है जीत सकते हैं। जैसे कि मेरा भाई है, अगर वो कहीं दूसरे देश में रहता है, अगर वो बीमार है तो वो मुझे कहेगा कि प्रार्थना कर मेरे लिए, जब मैं यहाँ से उसके लिए प्रार्थना करूँगा तो वहाँ पे चंगाई पाएगा। ओ भाई और बहनों, प्रार्थना की शक्ति जो है ये है, वो वहाँ होगा लेकिन मैं प्रार्थना यहाँ से करूँगा तो वो वहाँ पे चंगाई पाएगा। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह इस तरह की प्रार्थना को जो है चाहते हैं कि हम जो है इस तरह की प्रार्थना को करें। यह नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए और सबके सामने चिल्ला चिल्ला के और ज्यादा लंबी और ज्यादा लोगों को दिखा के फोन करके मैं प्रार्थना करूंगा लोगों को दिखाने के लिए। हे भाई और बहनों, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के सामने बक बक ना करना, क्योंकि वह समझते हैं कि वह बहुत बोलने से उनकी सुनी जाती है। हे भाई और बहनों, कई लोग प्रार्थना करते हैं, काफी लंबी प्रार्थना करते हैं, जो मुंह में आता है वो बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं ताकि उनकी प्रार्थना जो है समय जो है और भी बढ़ता रहे और लोग देखें कि ये कितनी लंबी प्रार्थना करता है, कितनी ज्यादा प्रार्थना करता है। ये सारी प्रार्थना जो है लोगों को दिखाने के लिए है। वचन में ऐसा लिखा गया है, अन्य जातियों के समान और जोर जोर से नहीं। परमेश्वर तो हमारे मांगने से पहले से जानने वाला परमेश्वर है कि हमें क्या चाहिए। ओ भाई और बहनों, हमें प्रार्थना हमारे भाइयों के लिए, हमारे लोगों के लिए और हमारे दोस्तों के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए और अन्य जाति के लिए प्रार्थना करनी है कि प्रभु जी उन्हें भी सही रास्ता दिखाएं और उन्हें भी उद्धार के मार्ग में लेके आए और उनकी कमी घटियों को पूरा करे और आत्मीय रीति से भी उन लोगों को भरे। इसलिए तुम उनके सम्मान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें क्या आवश्यकता है। भाई और बहनों, परमेश्वर हमारा मांगने से पहले जानता है कि हमारी आवश्यकता क्या है, तो हमें प्रार्थना कैसी करनी चाहिए? क्या आप इसलिए जोर जोर से प्रार्थना करते हो कि प्रभु यीशु मसीह को नहीं पता? क्या आप इसलिए लंबी लंबी प्रार्थना करते हो कि लोग हमें देखें? हे भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता, वो जानता है कि हमें प्रार्थना कैसी, हमें क्या जरूरत है और क्या आवश्यकता है। मांगने से पहले से ही वो हमें हर एक चीज को देने वाला परमेश्वर है।
लेकिन ये है प्रार्थना कि प्रभु जी आपकी इच्छा है तो मुझे दे, या ये प्रार्थना नहीं कि मुझे ये चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहता हूं मुझे आप दे दो करके।